हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजलुक्स। आज हमारे पास आई है टाटा एस गोल्ड, जिसमें प्रॉब्लम है कि गाड़ी में पिकअप नहीं है, सूट मास हाई है। मैं आपको फॉल्ट कोड दिखा देता हूं कि फॉल्ट कोड गाड़ी में क्या आ रहा है, ये आप देख सकते हो। अब हम जाएंगे रीड ट्रबल कोड पे। यहां आप देख सकते हो सबसे ऊपर तो सूट मास हाई का कोड है इसमें, दूसरा इसमें गाड़ी में EGR काम नहीं कर रहा, और तीसरा फॉल्ट कोड जो है ये इसमें थ्रोटल पोजीशन सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी में पिकअप नहीं है, और EGR इसका काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सूट मास जो है वो इस गाड़ी में बढ़ गया है। गाड़ी में फॉल्ट कोड क्लियर करते ही थ्रोटल वाला जो कोड है वो कभी कभी चला जाता है और कभी फिर दोबारा से आ जाता है, ये गाड़ी में दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका जो EGR है उसको हमने कैसे सही किया, और थ्रोटल पोजीशन सेंसर में भी हमारा जो है क्या प्रॉब्लम मिला। उससे पहले मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कभी कभी जो है स्टार्टिंग में भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही जो है इसमें एक साउंड आ रही है और स्टार्ट करते वक्त मिसिंग हो रही है, स्टार्ट भी नहीं हो रही। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये आप देखो दोबारा से ये स्टार्ट नहीं हुई। तो हम ट्रबल कोड भी देखेंगे इस पर कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें फॉल्ट कोड जो है वो क्या आ रहा है। ये आप देख सकते हो अब जो है हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो चेक इंजन की लाइट है वो भी आ रही है गाड़ी पर, और इसमें फॉल्ट कोड हम देखते हैं कि फॉल्ट कोड क्या जनरेट हुआ है। ये आप देख सकते हो चेक इंजन की लाइट जो है वो इसमें आ रही है, और फॉल्ट कोड मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉल्ट कोड गाड़ी में क्या आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो सूट मास हाई का फॉल्ट कोड है और इसमें EGR का फॉल्ट कोड आ रहा है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो थ्रोटल एक्चुएटर का जो फॉल्ट कोड था वो हमारा अभी चला गया है, तो वो फॉल्ट कोड कभी आता है कभी चला जाता है। तो हम देखते आगे कि प्रॉब्लम हमें क्या मिली। तो हमने जैसे कि कंटिन्यूटी चेक किया तो वायरिंग में क्या दिक्कत हो रही है कि कभी उस सेंसर पर करंट आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है कभी नहीं बता रहा है। मैं आपको चेक कराता हूँ, जैसे कि इस वायर से हम कपलर से चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, अभी आप देख सकते हो अभी जो है कंटिन्यूटी बता रहा है, बट कभी कभी इसमें मिस हो जा रहा है। तो दो वायर में जो कंटिन्यूटी वो प्रॉपर आ रही है, और बाकी के जो तीन वायर है उसी में प्रॉब्लम हो रही है, और इसके कपलर में भी प्रॉब्लम है। तो आगे हम इसको सही करते हैं, और EGR में भी वायरिंग में ही प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। हमने जो है दूसरा EGR का मोटर भी लगा के चेक किया, क्योंकि इसका EGR मोटर नहीं चल रहा था। तो आगे आप इस वीडियो में देखते रहिए कि उसको हमने कैसे सही किया। ये आप देख सकते हो इसका वायरिंग सही करने के बाद ये हमने जैसे ही इग्निशन ऑन किया ये काम करने लगा। अब जो है अब मैं आपको ट्रबल कोड भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो अभी थ्रोटल एक्चुएटर का जो फॉल्ट कोड है ये एक्टिव में दिखा रहा है, ये कभी आता है कभी चला जाता है। अब हम क्लियर ट्रबल कोड कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि EGR हमारा सही हुआ या फिर नहीं हुआ। ये आप देख सकते हो EGR का कोड हमारा चल गया है, ओनली थ्रोटल का रह गया है। तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि EGR इसका अब काम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो हमने अलग से मोटर लगा रखा है जो कि अभी हमारा काम कर रहा है। अब हम गाड़ी को बंद करते हैं और इसका EGR को जो क्लीन करते हैं, और वायरिंग को भी जो है प्रॉपर हम सही कर देते हैं, क्योंकि थ्रोटल एक्चुएटर के कपलर में ही सेंसर के कपलर में प्रॉब्लम मिला हमें, और EGR आप देख सकते हो EGR के वायरिंग में प्रॉब्लम थी, हमने उसे ओके कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो इसका ढक्कन खोल के भी हमने देखा वो काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ हमने वायरिंग इसकी सही कर दी है, और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसका EGR जो है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इधर हमने कपलर भी लगा दिया ECM का। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि EGR हमारा कैसे काम कर रहा है। ये हमने गाड़ी को किया स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद आप जैसे ही बंद करोगे EGR जो है उस वक्त आपका काम करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो जैसे हमने बंद किया ये हमारा काम कर रहा है। तो अब इसका EGR जो है ये हमारा ओके हो गया है, और थ्रोटल वाला जो सेंसर है वो भी हमारा ओके हो गया, उसमें वायरिंग में प्रॉब्लम मिली। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ लाइव डाटा पे चेक करके, और ट्रबल कोड भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो अब हम जाएंगे रीड ट्रबल कोड पे, और सारे जो फॉल्ट कोड है ये हमारा मेमोराइज्ड कंडीशन पे दिखा रहा है, ओनली जो सूट मास वाला है वो अभी हमारा रह गया। तो आगे हम दिखाते हैं आपको कि सूट मास को हमने कैसे कम किया।
तो अब जो है ये फॉल्ट कोड हम क्लियर कर लेते हैं और दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम जाएंगे एक बार स्पेशल फंक्शन पे और इसका जो सूट मास्क का कोड आ रहा है रीजनरेशन करने से पहले हम इसको रीसेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हो ऐसे आपको रीसेट करना है, उसके बाद सूट मास्क का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा आपका और उसके बाद आप रीजनरेशन कर सकते हो। तो यहाँ हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ये आप देख सकते हो अभी नो ट्रबल कोड इस पर आ रहा है। हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जो चेक लाइट आ रही थी गाड़ी में वो हमारी गई या फिर नहीं गई। ये आप देख सकते हो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है और चेक लाइट भी अभी इसमें नहीं आ रहा है और ट्रबल कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखो नो ट्रबल कोड इसमें आ रहा है। तो अब जो है गाड़ी हमारी ओके तो हो गई है, बट इसका जो सूट मास है वो EGR नहीं काम करने की वजह से सूट मास हाई हो गया था। ये आप देख सकते हो अभी इसमें चेक लाइट भी नहीं आ रही है कोई और ट्रबल कोड भी अब कोई नहीं दिखा रहा है। EGR भी हमारा सही हो गया और थ्रोटल एक्चुएटर भी सही हो गया है। तो अब जो है अब हम इसका रीजनरेशन कर लेते हैं। तो रीजनरेशन के लिए जो हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं वो स्कैन प्लस एक्स है, बाकी हमने जो स्कैनिंग वगैरह का काम किया वो एक्स टूल का PS70 प्रो से काम किया। अगर आपको दोनों टूल की जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो दी गई है, आप जाके देख सकते हो। ये आप देख सकते हो हीटिंग प्रोसेस 2 हो रहा है, तो हम आधे घंटे लगेगा इसमें रीजनरेशन कंप्लीट होने में, तो आधे घंटे बाद आपको मिलते हैं। तो हम वीडियो को यहाँ पे स्किप करते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं गाड़ी को चला कर भी कि लाइव डाटा पे इसका जो EGR है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है और उसके बाद गाड़ी में पिकअप वगैरह हमारी कैसी है। तो इसमें रीजनरेशन प्रोसेस होने में आपका आधा घंटा से ऊपर का टाइम लग सकता है, कई बार आपको दो बार भी करना पड़ता है क्योंकि सूट मास अगर ज़्यादा हो तो। तो ये आप देख सकते हो गाड़ी हमारी ओके हो गई है, रीजनरेशन भी कंप्लीट हो गया है, गाड़ी जो है अब हमारी प्रॉपर ओके चल रही है। मैं आपको ट्रबल कोड भी दिखा देता हूँ और लाइव डाटा पे जाके इसका डाटा भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये हम जाएंगे ऑटोमेटिक स्कैन पे, ये आप देख सकते हो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अभी हमारा नॉर्मल दिखा रहा है, यानी कि कोई फॉल्ट कोड नहीं है। अब हम आते हैं लाइव डाटा पे, लाइव डाटा पे यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो EGR है और थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो है दोनों ही हमारा काम कर रहा है, दोनों का ही डाटा जो है ओके है और गाड़ी में जो है अब किसी तरीके की भी फॉल्ट कोड नहीं है। तो गाड़ी हमारी बिल्कुल प्रॉपर ओके हो गई है। अगर आपका गाड़ी में EGR ख़राब हो जाएगा BS6 गाड़ी में तो उसी के कारण जो है आपका सूट मास जो है वो हाई होता रहेगा। तो आप अगर EGR को सही नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी जो है वो सही नहीं होगी, 10-15 किलोमीटर चलते ही सूट मास आपका हाई हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू।